वर्मा कहीं और निकल गया तो हमारी खटिया डूब जाएगी, पहले ही बोल देता हूँ। वो कहीं नहीं जाने वाला, और लुटिया डूबती है खटिया नहीं। क्यों, खटिया क्यों नहीं डूब सकती? जैसे लुटिया डूबती है वैसे ही बिजनेस में खटिया डूब सकती है। मान लो अगर खटिया बच भी गई लेकिन किनारे आके खड़ी हो गई तो वापस वही के वही ना, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। और सॉरी वो चिल्लम चाली करने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा दिल धक धक करने लगा, जीरा डरने डरने लगा, मेरा मतलब मेरे हाथ कांप रहे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ठीक हूँ। सब ठीक ठाक होगा लुईस, माधुरी बनने की जरूरत नहीं है। वो तो होगा ही, मैं बॉस जो हूँ सबका बॉस हूँ, बड़ा बॉस माधुरी का। ओए मेरे बाप की बारात में आया क्या, केक वेक का बजट नहीं है अपने पास? तो फिर नाश्ते में क्या खाएंगे तेरा सर? अबे दलिया खा भिखारी। दलिया खिला रहा है भिखारी, ये तो घोर अपमान है। अपमान क्यों? गोबर जैसा स्वाद है उसका। ओए बंदर क्या जाने गोबर का स्वाद। ओए चाचा मेरे, आपका तो दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, आपने अपनी लैब में कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं लगाया? नहीं लगाया नहीं है तो मैं कुछ दिखाता हूँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ओ यार मैंने ना एक किस्सा सुना जैसे हमारे साथ हुआ वैसा, एक साइको पगलेट भूतनी जो दीवार के आर पार हो जाती है, जैसे जैसे चुड़ैल। वो चोटी का चुड़ैल जैसी। तूने कल के लिए वैन धुलवा तो ली है ना? अंदर बाहर सब चमक रहा है बॉस। अंदर धुलवाने पर पैसे बर्बाद क्यों किए होते? तुम्हें काम पक्का चाहिए ना? ओए पागल हो गया है, हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, करनालगंज में नहीं। ओ ये सच की सुई तो नहीं है भाई? सच की सुई जैसी कोई चीज नहीं होती। बुरा मत मानना भाई, पर ये लगती तो सच की सुई है। वही तो, मुझे इंजेक्शन से एलर्जी है तो थोड़ा हल्के हाथों से देना। कहाँ है स्कॉटलैंड? यही तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं पहली बार स्कॉटी से मिला तो वो बुरे हाल में था। नहीं नहीं तिहाड़ जेल की बात नहीं कर रहा, उसकी बीवी ने तलाक मांग लिया था, तो मैंने बोला तुझे पुलिस ने जेल में फेंका और बीवी ने कचरे में, तो बोला हाँ यार मुझे लगा था हम हमेशा साथ रहेंगे पर अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। फिर मैं बोला ओए रोमत आई हेट टीयर्स, मुंडी उठा के देख नई कुड़ी मिल जाएगी, वैसे मैं हूँ लुईस। उसने बोला मैं स्कॉटी हूँ, तू मेरा जय मैं तेरा वीरू। फिर स्कॉटी जेल से छूट के हैंग के लिए काम करने लगा, वही होप से मिला और वो बोली मैं हूँ शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ रानी। फिर स्कॉटी बोला शीला मेरे दिल का स्क्रू हेड हीला, शायद मैं लाइफ में कभी प्यार न कर पाऊँ पर तू कहे तो अभी क्या भी तेरा हो जाऊँ। आगे देखा तो दोनों में पप्पियाँ छिप्पियाँ चल रही थी। बीच में स्कॉटी बोला मुझे एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता पर मैं कैप्टन अमेरिका के साथ एयरपोर्ट उड़ाने जा रहा हूँ। तो आंटी भड़क गई, सोच ली तुझे कैप्टन कूल चाहिए या शीला की जवानी। फिर स्कॉटी सीधे घर में नजर बंद, रोज पटियाला पैक पी के होप के लिए रोता है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मैं मर जाऊंगा। कहाँ है वो जंगल बोलो? मोगली वाला जंगल, जंगल जंगल बात चली, पता चला आपको नहीं पता चला? और साथ में पुलिस भी, उन्हें पता है तू कहाँ है, उन्होंने मुझे कोई सच की सुई लगा दी और अचानक मैं सब सच उगलने लगा था, जैसे कि तू बर्तन बहुत गंदे धोता है, बहुत गंदे। अच्छा और एक बात मुझे बता, कढ़ाई में चाय कौन बनाता है, कौन बनाता है? वैसे ये सूट तुम्हें बहुत सूट करता है। थैंक यू। मुझे भी एक चाहिए, मुझे तो थोड़े डिम पावर वाला भी चलेगा, पता है, या सिर्फ सूट भी चलेगा जिसमें कोई पावर नहीं हो। याद है वो सोनम के पापा का स्टाइल? जकास।